बीजेपी ने पूरी की पूरी मदद अरबपतियों की है। अब जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमारी सरकार को राजस्थान के गरीब लोगों के जेब में डालना है। 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस राजस्थान में मिलता है। आप सोचिए राजस्थान के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा होगा पिछले 5 सालों में। नरेंद्र मोदी जी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा का पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई बता सकता है? हां भाई, नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ, काला धन मिट गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना, याद है आपको? रोते हुए कहा था मुझे फांसी पर लटका देना। पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप, 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। आपको कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, आप अगर जाके किसी भी बीजेपी नेता से पूछो आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे, किसानों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखे, कॉल सेंटर में काम ना करे, आईटी का काम ना करे, विदेशी कंपनी में नौकरी ना करे, खेती ही करते रहे। हिंदी की जगह है और अंग्रेजी की भी जगह है। हिंदी में राजस्थान में बात करनी हो, उत्तर प्रदेश जाओ, बिहार जाओ तो हिंदी चलेगी, मगर बड़ा सपना देखना है, किसी युवा को अपना बिजनेस खोलना है, इंटरनेट में काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, विदेश जाना है, तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने अंग्रेजी स्कूलों के जाल खोला।